देखिए, हमारी पार्टी में जो सामान्य प्रक्रिया बनी है ये उस समय बनी है जब सत्ता में कांग्रेस अधिकांश राज्यों में केंद्र में थी। हम तब जहाँ मुख्यमंत्री होते थे तो उनके लिए तो तुम्हें चुनाव लड़ते थे, जहाँ नहीं होते थे तो वहाँ सामूहिक तरीके से लड़ करके चुनाव के बाद लीडर का चुनाव करते थे। मगर उस समय से जब हमारे राज्यों में उनमें सरकारें नहीं रही तो भाजपा ने अब हर चुनाव को, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो, वो लोग उसे कहते हैं मोदी जी को देखिए, आपको किसी एमएलए को, स्थानीय व्यक्ति को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को देखने की आवश्यकता नहीं है। उससे स्थानीय मुद्दों पर फोकस नहीं आ पा रहा है, स्थानीय इश्यूज पे फोकस नहीं आ पा रहा है। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि भाजपा की इस रणनीति को कि वो मोदी बनाम कांग्रेस के लोकल व्यक्तित्व में कर चुनाव को कन्वर्ट करते हैं, हमको अपने लोकल चेहरा आगे करना चाहिए, हमको कहना चाहिए ये हमारा चेहरा है, इसकी नेतृत्व में हम यहाँ चुनाव लड़े, ताकि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय व्यक्तित्व जो है चुनाव में आमने सामने हों। जब कांग्रेस अपना चेहरा लेकर के आएगी तो भाजपा से भी लोग पूछेंगे कि भाई मोदी तो ठीक है, वो तो दिल्ली में है, वो तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, यहाँ तुम किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हो। और जो ही भाजपा अपनी स्थानीय व्यक्ति का नाम लेगी तो जो एंटी इनकम्बेंसी है उनके विधायकों की, उनके मंत्रीगणों की, उनकी सरकार की, वो चुनाव में प्ले कर जाएगी और कांग्रेस का उसी समय अपर हैंड शुरू हो जाएगा। तो ये कांग्रेस के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस पर बात करें, क्योंकि एक आम प्रैक्टिस के इतर हट करके मैंने ये सुझाव दिया है। तो मैंने इस सुझाव में मैंने कहा भाई इसको उत्तराखंड के संदर्भ में समझा जाए, उत्तराखंड में तो आप जिसको कर दीजिए मैं उसके पीछे हूँ, लेकिन इसको एक मोटे सिद्धांत के तौर पर माना जाए और आप चर्चा इस पर चले, इसलिए मैंने इसको सार्वजनिक किया।